Hello students of 8th class, today we are going to discuss the second portion of our lesson, or you can also say the second part of our lesson. This is Jody Swan from the book Honeydew. Jody gave himself over to the thoughts of the fawn. वो अपने मन से जो है उन विचारों को निकाल ही नहीं पा रहा था, वो हिरन के बच्चे जो उसने देखे थे बच्चे का. दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग, उन्होंने जो है बिल्कुल जंगल सुनसान से रास्ते से अपने आप को निकाला. ही सेड कट टू द नॉर्थ मेलविल, वो कहता है जो वो बच्चा है जॉडी, वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो मेलविल. इट वॉज अप हेयर दैट द पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग एंड आई सॉ द फॉन. ये वही जगह है जहाँ पर पा को जो है, यानी पापा, उसके पापा को जो है सांप ने काट लिया था और हिरन को मार दिया था, और मैंने हिरन के बच्चे को लास्ट टाइम यहीं देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मेलविल विद हिम, उसको अच्छा सा नहीं लग रहा था कि वो मेलविल को ले आया था. वो किन सोचों में था, वो सोच ये रहा था इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फॉन मर गया होगा या वो नहीं मिला, ही कुड हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो जो है अपनी निराशा को व्यक्त नहीं कर पाएगा. एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर फोन उसको वहीं पर मिल जाता है तो मीटिंग वुड बी सो लवली, उनका मिलन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और ना ही वो फिर उस खुशी को अपने आप किसी और के साथ बांटना चाहता है. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कर्फ इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, तो ये झाड़ियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा घनी हैं एक हॉर्स के लिए. आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता. मेलविल कहता है सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, अगर तुम भी यहाँ पर गुम हो गए या तुम्हें भी किसी सांप ने काट लिया तो I will take care. वो कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा. अब ये जॉडी कह रहा है It might take me a long time to find the fawn. हो सकता है मुझे हिरने के बच्चे को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाए. And if he wandered, अगर वो इधर उधर घूमता रहा तो leave me off right here. तुम मुझे यहीं उतार. All right, but you take it easy now. ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना. You know north, here and east. क्या तुम यहाँ से डायरेक्शन जानते हो, नॉर्थ कहाँ है ईस्ट कहाँ है. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, तो ये जो है मेरा एक जो टॉल ट्री है ना ये पाइन का, ये मेरे को डायरेक्शन का बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो लॉन्ग मेलविल आई एम ऑब्लाइज, तब तक मेलविल मैं आभारी हूँ आपका. ही वेटेड फॉर द साउंड्स ऑफ द हुप्स टू द एंड एंड देन कट टू द राइट, उसने जो वहाँ पे जानवर थे उनके खुरों की आवाज़ को ख़त्म होने का इंतज़ार किया और फिर उसने राइट टर्न ले लिया. द स्कार वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, वहाँ पर जो है झाड़ियाँ अभी भी थी ठीक है, लेकिन उसकी खुद की जो सूखी हुई पत्तियों पर जब हम चलते हैं तो ऐसे जॉडी भी चल रहा था, तो उसकी खुद की ही आवाज़ थी उस पूरे साइलेंस में. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसको एक टाइम के लिए तो यूँ भी लगा कहीं उसने अपनी डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर दी. देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, फिर उसको एकदम से क्या हुआ एक गिद्ध की तरह बड़ा सा पक्षी उसके सामने आया जो हवा में अपने पंख फड़फड़ाए हुआ था. ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और उसने क्या किया कि वो पेड़ के नीचे खुले में आके बैठ गया. दे टर्न देयर हेड्स, और बहुत सारे थे ये ठीक है. बाजार्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो, तो वो जो है डो के बिल्कुल जो शव था कारकेस जो था उसके चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गए वो पक्षी जो थे काफ़ी बड़े बड़े वाले. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कैरी नेक्स एंड हिज डेट हिम, वो जो है लंबे लंबे तो होते ही हैं तो अपने सिरों को लंबी गर्दन से मोड़ रहे थे, मतलब गर्दन को मोड़ रहे थे और फुकार सी मार रहे थे. ही थ्रू हिज बो एट देम, उन्होंने जो एक टहनी थी उनकी तरफ फेंकी उसने जॉडी ने. एंड दे फ्ले इन टू द एडजेक्टेंट ट्री, और वो उस पासी के पेड़ पर जो है वो उड़कर बैठ गए. द सेंट शॉट लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश,
अब यहाँ पर क्या हुआ था, मिट्टी पर बड़ी बिल्ली के भी निशान थे, लेकिन बड़ी बिल्लियों ने ताज़ा निशान को मिटा दिया था। दे हैड किल्ड द डो टू द कैरनियन बर्ड्स, क्योंकि उन्होंने जो है हिरनी जो मरी हुई थी उसके पक्षियों के पास ही छोड़ दिया था। वहाँ पर एक्चुअल ऐसा होता है कि वहाँ पर रात में बारिश भी आ जाती है, तो सारे के सारे इम्प्रिंट्स जो हैं वो भी धुल जाते हैं। द पार्ट ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो उसने उस जगह से जो है वो घास को हटाया जहाँ पर उसने उस फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ऐसा बताना मुश्किल था कि वो कल ही की बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने वहाँ पर जो है उस जगह के जो है चक्कर से लगाए। देयर वॉज नो साउंड एंड नो साइन, वहाँ पर ना तो कोई साउंड थी और ना ही कोई साइन था। ही रिटर्न टू द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स एंड इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो गिद्ध की तरह जो दिखाई देने वाले पक्षी थे वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और अपने शिकार के पास जो मरा हुआ शिकार जो था वहाँ पर आने के लिए उत्सुक थे काफ़ी ज़्यादा है। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड टू ऑल फोर्स स्टडिंग द स्टैंड फॉर द स्मॉल हुप्स प्रिंट्स, तब वो जॉडी जो है उस स्थान पर लौट आया जहाँ पर उसने हिरन का बच्चा उसको दिखाई दिया था। छोटे छोटे जो उसके पैरों के निशान के लिए जो रेत वहाँ पर जो रेत था उस पर उसने छोटे छोटे जो है निशानों को ढूंढने की कोशिश करी। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, तो वो बताता है कि रात को जो है बारिश हुई थी तो बारिश ने और जहाँ जितने भी वहाँ पर बिल्ली के या गिद्ध के पैरों के निशान जो थे पक्षियों के अलावा सारे के सारे ही निशानों को उस बारिश के कारण वो सारे के सारे निशान जो है धुल गए थे। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो।